नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। और जब हम इस मशीन को किसी भी पेशेंट पर 10 से 15 सेकंड के लिए रन करते हैं तो ये मशीन कैसे एक डिटेल रिपोर्ट ग्राफ के रूप में प्रिंट करके दे देती है, जिससे हम हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो आजकल जो लेटेस्ट मशीन चली हैं उसमें तो स्टेटस का भी ऑप्शन है, मतलब अगर सब कुछ हार्ट में ठीक है तो गुड करके लिखा रहेगा, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी रिकॉर्ड की जाती है तो पर्टिकुलर उस टर्म का नाम लिखा रहेगा जो कि बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है, जैसे कि टैकीकार्डिया हो गए और भी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कार्डियोलॉजी में परफॉर्म किए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, और अगर आपने खुद की कभी ECG कराई हो या कभी भी ECG होते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी मशीन है, वो स्टैंड पे खड़ी है और उससे बहुत सारे तारें निकल रही हैं और उनके ऊपर क्लिप्स लगी हैं। तो दोस्तों, हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये जो कन्वेंशनल मेथड जो नॉर्मल ECG में यूज़ की जाती हैं ये टोटल 12 होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लेड्स होते हैं, या ये वो एलिमेंट वाला लेड नहीं है, यहाँ पे लेड का मतलब होता है एंगल। तो ये जो 12 इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम 12 डिफरेंट एंगल्स पर लगाते हैं। कुछ लगते हैं हमारे लोअर लिम्ब पर, लेफ्ट पैर में, और कुछ लगते हैं चेस्ट पर। और जब ये मशीन ऑन होती है तो ये जो ग्राफ ऑब्टेन होता है, जो प्रिंट में होके हमें मिलता है, ये मिलता है हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नॉर्मली इस मशीन को हम 10 से 15 सेकंड तक रन करते हैं तो जो कार्डियक साइकिल उतनी देर में रिकॉर्ड होगी, उतने में हमें हार्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ये हमें मशीन प्रिंट करके दे देगी रिपोर्ट। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि जो ECG मशीन है वो पता कैसे लगाती है कि हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, जो हार्ट बीट होती है वो एक प्रॉपरली सेट पैटर्न पे सेट होती है सब में। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज ह्यूमंस में देखा गया है 72 बीट्स होती हैं पर मिनट में, और जो कार्डियक साइकिल जो मशीन हम रन करते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए, उसमें एक हार्ट बीट का एक सेट पैटर्न मापा जाता है, और अगर उस नॉर्मल पैटर्न से कुछ भी डेविएशन है तो ये मशीन उसको रिकॉर्ड करेगी और उस एबनॉर्मेलिटी को हमें बता देगी। अब दोस्तों, यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, पहला होता है रीपोलराइजेशन और दूसरा होता है डीपोलराइजेशन। तो जो डीपोलराइजेशन है ये स्टार्ट होता है जो हमारे पेसमेकर के सेल्स होते हैं, मेनली इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है हमारे हार्ट में, जिससे ECG काम करता है। और ये खत्म होता है जाके, जो डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये खत्म होता है जाके वेंट्रिकल्स पर। अब दोस्तों, जो यही डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है, जब हम इसको 10 से 15 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करते हैं जब ECG मशीन ऑन होती है, तो हमें जो ECG का जो ग्राफ है वो ट्रेस होके मिल जाता है। अब जो ट्रेंड क्लिनिशियन होंगे वो ECG मशीन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट बीट का रिदम, जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उसकी साइज और पोजीशन का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर हमारे हार्ट के मसल्स में कुछ डैमेज हुआ है तो उसका भी उस स्पॉट को हम पता लगा सकते हैं ECG की रिपोर्ट से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में ECG से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।